श्री राम, जय श्री राम। पूरी दुनिया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बनने को तैयार है। पूरी दुनिया के हिंदू इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दुनिया में जहां भी हिंदू हैं, वो खुद को अयोध्या से जोड़ने की पूरी कोशिश में लगे हैं। इस मौके पर अपने अपने तरीके से वो जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले ही दुनिया में सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। उत्साह और भक्ति वाले इस कार्यक्रम का अमेरिका में लगभग 300 जगहों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसमें न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर भी शामिल है। पेरिस का आईफिल टावर भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन को मनाने के लिए तैयार है। अमेरिका के कई शहरों में बड़े पैमाने पर ऑटो रैलियों का प्लान है। अमेरिका के मंदिर सप्ताह भर चलने वाले समारोह का आयोजन कर रहे हैं। फ्रांस में भी भव्य रथ यात्रा की तैयारी है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मॉरिशस में भी बड़े पैमाने पर टेलीकास्ट किया जाएगा। 48% हिंदू आबादी वाले मॉरिशस में 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के लिए हिंदू कर्मचारियों को 2 घंटे की छुट्टी भी दी गई है। मॉरिशस में सभी मंदिरों को दीपक से रोशन किया जाएगा। रामायण का पाठ भी होगा। वहीं अमेरिका में एक दिन पहले ही जश्न मनाया गया। सैन फ्रांसिस्को का एक इलाका अयोध्या की तरह चमक रहा था। लोग केसरिया रंग का झंडा हाथ में थामे हुए थे। वहीं कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियों पर भी इसे बांध रखा था। विश्व हिंदू परिषद की अमेरिका शाखा ने टेक्सास, इलिनोइस, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और जॉर्जिया समेत 10 राज्यों में 40 से ज्यादा बिलबोर्ड लगाए हैं। सेशेल्स के स्वामीनारायण मंदिर में लोगों ने दीप जलाए। इसके साथ ही उन्होंने ढोल बजाकर जश्न मनाया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।